हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल दीप्स एजुकेशन में। मेरा नाम नगमा है एंड हमने RRB NTPC एंड ग्रुप डी के जो पिछले भर्ती में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी एक सीरीज स्टार्ट की थी। तो जो लोग भी मुझे पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको मेरी प्रीवियस क्लासेस देखनी है तो आपके लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से भी आप प्रीवियस क्लासेस देख सकते हो। और अगर आपको किसी भी क्लास के रिगार्डिंग या किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। उसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का पहला सवाल। धातुओं के पतले तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? ओके, मतलब जो धातु होता है उसको जब पतले तार के रूप में अपन ढलते हैं उसकी जो विशेषता होती है उसको कहते हैं अपन ऑप्शन बी, तन्यता बोलते हैं उसको। और जो सबसे सर्वाधिक जो तन्यता पाई जाती है वो पाई जाती है सोने में। सोने के जो 1 ग्राम जो सोना होता है, 1 ग्राम सोना उससे अपन 2 किलोमीटर लंबा पतला तार बना सकते हैं, ठीक है? तो सोने की तन्यता इतनी ज़्यादा अधिक होती है, सोचो 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखना, तन्यता बोलते हैं तब पतली तार बनाने को, और सर्वाधिक जो तन्यता होती है वो होती है सोने की, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इनसेट 1B को कब शुरू किया गया था? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो इनसेट 1B है ये है क्या, जो ये है ये एक अपना जो इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ठीक है? इसको जो है स्टार्ट किया गया था 1983 में, स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन बी अपना आंसर है इसका, 1983 में शुरू किया गया था। और इसका जो टाइम पीरियड था वो 7 ईयर्स था, ठीक है? तो जब इसके 7 ईयर्स कंप्लीट हुए थे उसके बाद जो है इसको रिप्लेस कर दिया गया था इनसेट 1D के द्वारा, ठीक है? तो ये थोड़ा सा और याद रखना, 7 ईयर के लिए इस सेट ये जो है इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? देखो पीएच के बारे में हमने पहले भी एक बात की थी। जो पीएच है वो अम्ल और क्षार की जो वह है उसको प्रदर्शित करता है। देखो जब पीएच जो है जो 7 होता है वो होता है उदासी, 7 से जो ऊपर होता है वो होता है क्षार, और 7 से जो कम होता है वो होता है अम्ल, ठीक है? बस इतना सा होता है। और जो अपने मानव शरीर का पीएच रेंज है वो होता है ऑप्शन सी, 7.35 से 7.45 जो है वो अपने मानव शरीर का पीएच होता है। तो ये आप थोड़ा याद रखना पीएच क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम आयु का नोबेल पुरस्कार विजेता है? बहुत इजी है, बिना ऑप्शन देखे आप उसको बता सकते हो। वो है मलाला। मलाला को आई थिंक 14 वर्ष की आयु में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो जो ऑप्शन बी है अपना, मलाला यूसुफ़ज़ई जो है इनको मिला था 2014 में, आई थिंक शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है? ये जो है पाकिस्तान से हैं, तो थोड़ा सा याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? ओके, इसमें उच्च न्यायालय के बारे में पूछा गया है। देखो जो अपने भारत का पहला जो हाई कोर्ट था ना वो जो है स्थापित किया गया था कोलकाता में, ठीक है? तो ये आप थोड़ा सा याद रखना, कोलकाता में अपने इंडिया का पहला हाई कोर्ट स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात की गई है। जो भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था वो किया गया था 1951 में, 1951 में भारत का पहला संविधान संशोधन किया गया था। और ये जो संविधान संशोधन था इसके अंदर जो है जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके अंदर काफ़ी चेंजेस किए गए थे, उनके अंदर ही ज़्यादातर संशोधन जो है उन्हीं में किया गया था, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा याद रखना, अपना जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो किया गया था 1951 में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत का सबसे बड़ा
बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? देखो लास्ट टाइम हमने शायद पता नहीं किसके बारे में पढ़ा था, तो प्लीज़ आप, मैं फिर से बोल रही हूँ आपको, जितने भी भारत में जितने भी ये धातु है, खनिज है, जो भी है, सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, इनको आप थोड़ा एक नोट डाउन करके याद कर लो, बिकॉज़ हमने इतनी सारी स्लाइड की है, हमने आई थिंक 3-4 तो हमने पढ़े, हम इस स्लाइड्स में पढ़ लिए हैं। तो अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट के बारे में पूछा है इसमें, बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अपने जो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है वो है उड़ीसा, ठीक है? उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है, उत्पादक किया जाता है। और उड़ीसा के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो आई थिंक झारखंड का आता है, झारखंड में जो दूसरा है, दूसरे नंबर पे आता है बॉक्साइट उत्पादन में। और जो उड़ीसा है उसके अंदर भी दो तीन जिले बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जैसे कि कोरापुर हो गया, कालाहांडी हो गया, संबलपुर हो गया, यहाँ से जो है बहुत बड़े लेवल पे जो बॉक्साइट है उसका उत्पादन किया जाता है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा नाम और याद रखना, कोरापुर, कालाहांडी, संबलपुर, ये जो जिले हैं ये उड़ीसा में स्थित है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? बहुत इजी, ठीक है? नर्मदा नदी है, सरदार सरोवर मीन्स नर्मदा नदी, बस इतना सा याद रखना। और जो ये बांध है ये कंक्रीट बांध है, और इस बांध से जो जो जल और बिजली का जो लाभ है वो जो है बहुत सारे 3-4 राज्यों को प्राप्त होता है, जैसे कि नर्मदा है, ये कहाँ स्थित है? गुजरात में, गुजरात को प्राप्त हो गया। गुजरात के बगल में कौन है? राजस्थान, राजस्थान को प्राप्त हो गया, एमपी को प्राप्त हो गया, और महाराष्ट्र, मतलब जो लगते राज्य हैं से इसकी सीमा से, उन सबको जो ये सरदार सरोवर बांध है इसका जल और इसकी बिजली प्राप्त होती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पोखरण परमाणु परीक्षण टू का कोड नाम क्या था? कोड पूछ रहा है इसके अंदर बेसिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ये पोखरण परमाणु परीक्षण है ये हुआ था 1988 में हुआ था, ठीक है? राजस्थान का जो पोखरण है वहाँ जैसलमेर में वहाँ हुआ था। और इसका जो कोड नेम था वो था आई थिंक ऑप्शन ऑप्शन डी था, ऑपरेशन शक्ति, ठीक है? ऑपरेशन शक्ति जो था वो पोखरण परमाणु परीक्षण टू का कोड था। वैसे ही जो पोखरण परमाणु परीक्षण फर्स्ट था उसका कोड क्या था? तो उसका कोड जो था वो था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है? तो ये थोड़ा सा याद रखना। और जो फर्स्ट था वो हुआ था मई 1974 में, और सेकंड का हुआ था 1998 में, दोनों मई में हुए थे, ठीक है? और दोनों ही कहाँ हुए थे? पोखरण में हुए थे। पहले का नाम था स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, और जो दूसरा था उसका नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? देखो जो 1857 का विद्रोह है ये जो जो चर्बी वाले कारतूस वाला जो इंसिडेंट हुआ था मंगल पांडे के टाइम पे, कहते तो वहाँ से स्टार्ट है, बट जो मेन जो है जो 1857 का जो हुआ था विद्रोह ये स्टार्ट हुआ था मेरठ से, ठीक है? जो मेरठ है वहाँ से इसको शुरू किया गया था मेन, और इसको अंग्रेज़ों ने इसका जो दमन है वो किया था 1959 में। मतलब कोशिश तो चल रही थी बट ये ना पूरे इंडिया में ही एक साथ ही विद्रोह हुआ था, इसलिए जो अंग्रेज़ों को थोड़ा टाइम लग गया उसको दबाने में, 1800 जो 1859 है उसमें जो है अंग्रेज़ों ने इसको दबाया था, ठीक है? इसका दमन किया था 1857 का बड़ा विद्रोह जो था उसको। ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, और जो अपना चैनल है डीप्स एजुकेशन इसको आप सब्सक्राइब करें। और अगर आपको जो ये वीडियो है इसका विद आंसर्स आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक है आपको ऑलरेडी ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है। So stay tuned, stay connected. Thank you.